आप लोग के ऑब्जर्वेशन होंगे। खुशहाली का दौर है आना, वक्त अब ये बदलाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सदर पंजाब मुस्लिम लीग चौधरी परवेज इलाही साहब, मुअज्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस तकरीब के हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों का कि जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, उन ख़वातीन का कि जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस शिद्दत के मौसम में, आपने इस शिद्दत की गर्मी में तकलीफ़ की और यहां तशरीफ़ लाए। और मैं समझता हूं कि हमें इस बात का आज ये जहन में रखनी चाहिए कि हमारा यहां आने का मकसद क्या है और यहां पे हम क्यों सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज के इस इज्तिमा में हम क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मुल्क की उन ताकतों को कि जो इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में मौजूद हैं या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। देखिए, मेरे सामने सिर्फ तीन चीज़ें हैं। पहला ये कि हम तकरीबन 7.5 साल से बहैसियत नाज़िम, बहैसियत तहसील नाज़िम, बहैसियत यूनियन नाज़िम और बहैसियत उस यूनियन का के मेंबरान के हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। देखना ये है कि जनाब चौधरी साहब, इस सिस्टम ने कामन आदमी की ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली ऐसी की है कि जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसी कौन सी बात है कि जिस मकसद को यहाँ पे इस मुल्क के दारुल हुकूमत में हम इन प्रेस के भाइयों के ज़रिए से अपना ये पैगाम उन ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं। वो मकसद, वो पैगाम ये है कि ये ऐसा सिस्टम है कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी के एक सियासी वर्कर की हैसियत से 25 साल का एनालिसिस या तज्जिया करूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी के ये 7 साल तरक्याती कामों के हवाले से, बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से, कामन आदमी की बेहतरी के हवाले से ज़्यादा भारी और बेहतर नज़र आते हैं। और इसी मकसद के लिए मैं आज अपने दोस्तों के एक इकट्ठ को लेके यहाँ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मेजर साहब ने अपने अंदाज में गुफ्तगू की, मैं अपने अंदाज में एक पैगाम देना चाहूँगा कि मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो लोग कहते ये हैं कि ये एक डिक्टेटर का दिया हुआ निज़ाम है, शायद वो नाबल्द हैं, शायद वो देख नहीं सकते, शायद वो 1973 के वो आइन के जो इस मुल्क का मुतफिक। ये बताना चाहूँगा कि 1973 के आइन की आर्टिकल 140A सूबाई हुकूमतों को इस बात पे पाबंद करती है कि वो अपने सूबाई महकमों के अख्तियारात जिली हुकूमतों को या लोकल गवर्नमेंट को उनके इंतजामी और माली मामलात उनको तफवीज करेंगे और कामन आदमी की जिंदगी की बेहतरी के हवाले से जो इलेक्टेड लोग उन दफ्तरों में बैठे होंगे उनसे लोगों की बेहतरी के हवाले से काम लेंगे। अगर किसी डिक्टेटर ने ये एक अच्छा काम आइन के मुताबिक किया तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ एक निजाम जो कि हम पे अंग्रेज ने मुसल्लत किया था
और उस डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को हमारे देहातों और हमारी गरीब आबादियों को एक रोब और दबदबे के जरिए से चलाने का जरिया बनाया था, आज दोबारा हमारे ही वोट से मुंतखिब होने वाले लोग हमारे ही भाइयों की लगी हुई मोर की वजह से ऐवानों में जाके बैठने वाले लोग आज अपने ही उन दोस्तों का कि जिन्होंने लोगों ने जिनको लोगों ने मुंतखिब यकीनन कहेंगे कि चौधरी परवेज इलाही भी उसी तरह का एक सियासतदान है जो या वजीर आला बनेगा या वजीर आजम बनेगा तो इन लोगों की बात तो ये नहीं कहेगा। तो मैं अपने गुज़िश्ता बहैसियत नाजम गुजरे हुए 4 साल के तजर्बे को सामने रख के कह रहा हूं कि वजीर आला पंजाब ने जिस अंदाज से इस सिस्टम को इन नाजमीन को चाहे वो यूनियन नाजम हो चाहे वो तहसील नाजम हो चाहे वो जिले का नाजम हो जिस अंदाज से जिन मुश्किल हालात में जिन तकलीफों में और जिस सूरत हाल में गले लगाया, मैं चौधरी साहब अपने इन तमाम दोस्तों की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूं। और आज अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास सिर्फ एक जवाब है। मैं समझता हूं कि 1.5 साल से मैं एक 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 प्रोसेस में हूं। 1.5 साल से इस सिस्टम को बचाने के हवाले से मैंने अदालतों के दरवाजा खटखटाया, मैं मुख्तलिफ जमातों के लोगों से मिला और इसमें कथा नजर इसके कि कोई किस जमात से है, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई नवाज लीग से है, कोई किसी मजहबी जमात का नुमाइंदा है, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन जब ये बात एक करने का मौका आया उन तमाम लोगों ने ना आपका ना मेरा न किसी जिली नाजम का न किसी यूनियन नाजम का न किसी तहसील नाजम का न किसी यूनियन के मेंबर का न किसी खातून मेंबर का हाथ पकड़ा। आज फिर इस मुश्किल मौके पे जब इस मुश्किल इस सिस्टम पे एक मुश्किल वक्त आया तो कायदे आजम लीग के हवाले से इस शख्स ने हमारा हाथ पकड़ा। हम आपसे अहद करते हैं कि जब कभी भी आप पे मुश्किल वक्त आएगा हम इसी अंदाज से आपका साथ देंगे। अगर मैं यहां पे हुकूमत के मामलात को डिस्कस करूं तो अजीब होगा, अगर मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस मुल्क के हालात को डिस्कस करूं तो अजीब होगा। मैं अपने भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक मेरी जिंदगी के जो 57 साल इस दश्त की सयाही में इस दश्त में गुजरे हैं, मैं समझता हूं कि अगर मैं आंख बंद करके अपनी गुज़श्ता गुजरी हुई जिंदगी को देखूं, आज के हालात को देखूं, इस मुल्क की सूरत हाल को देखूं, फ्रंटियर को देखूं, बलोचिस्तान को देखूं, कराची को देखूं, पंजाब को देखूं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखूं, इन मुश्किलात को देखूं, तो वक्त दुआ है। और मुझे जो अफसोस होता है इस बात पे होता है कि गुज़श्ता 1.5 साल से अगर मैं एक सियासी तालिब इल्म के हैसियत से नजर दौड़ाता हूं तो इस मुल्क की लीडरशिप ने जो अपने आप को तमाम मामलात का हल समझती है उन्होंने एक बार भी इन इश्यूज पे बात नहीं की। जब कभी बात की अपने इन दोस्तों का जो कि बल्दियाती निजाम के हवाले से एक कानूनी तरीके से
इलेक्ट होके इन ऑफिसेज में आए थे, इनका गला काटने की बात की, न वो सवात की बात करते हैं, न वो सवात तक जाके उन लोगों को गले लगाने की कोशिश करते हैं, न वो बलोचिस्तान में जाके वहां के हालात की बात करते हैं, न वो सिंध में जाके कराची में वहां के लोगों को दुख दर्द बांटते हैं। और अब तो आलम यह है कि जो सबसे पुरअमन सूबा था पंजाब का, अब तो वहां भी दिन को न खवातीन अपने आप को महसूस करती हैं, न बच्चे अपने आप को महसूस करते हैं। हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यह हो गई है कि अब तो लोगों ने दिन में भी अपने घरों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा इस कन्वेंशन के हवाले से इन लोगों की आवाज बन के कि खुदारा खुदारा पाकिस्तान की बात कीजिए, खुदारा इस मुल्क की बात कीजिए, खुदारा कल आने वाली नस्ल की बात कीजिए। देखिए मैं बहसियत नाजिम पूरे पंजाब में दोनों बाजू खड़े करके इस प्रेस की मौजूदगी में इन तमाम प्रधानों को यह चैलेंज करके कह सकता हूं कि 25 साल की सियासी जिंदगी में तमाम नशेबो फराज गुजरे, नाजिम रहा, मिनिस्टर रहा, एमपीए रहा, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। आओ मेरा एहतसाब करो, आओ मेरा एहतसाब करो। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं आज भी एक छोटे घर में जो मुझे बाप ने दिया था उसमें रहता हूं। मैं शहबाज शरीफ तुमसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन मैं 85 में सियासत में बाइसियत एमपीए लाहौर दाखिल हुआ था तो मैंने तेरी तर्ज के कई हजार कारोबारी लाहौर में देखे थे, कहां से ये महल्लात बने, कहां से ये दौलतें आई। अब तो तुम्हारी अगली नस्ल भी पाकिस्तान का वारिस बनने की कोशिश कर रही है। अगर हमें कहते हो, नाजिमीन को कहते हो कि नाजिमीन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि अब तो हमजा शाहबाज के साथ भी वारस पंजाब के नारे लगते हैं। ये क्या तमाशा है? क्यों हमें बेवकूफ बनाते हो? क्यों इन लोगों को बेवकूफ बनाते हो और क्यों इस मुल्क के गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हो? चौधरी साहब, मैं आज आपको एक दिल की बात कहना चाहता हूं। देखिए इस मुल्क की वो गरीब तबका के जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, इस मुल्क के वो गरीब तबका के जिनका सिवाय परवरदिगार की जात के कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, उनके बच्चे के लिए स्कूल की छत नहीं, उनके बैठने के लिए जगह नहीं, और वो मजदूर जो उस लोहे की पट्टी में उस दहकती हुई सुलाख को बाहर निकलते हुए जब हथौड़े का वार करता है तो शाहबाज शरीफ तो उसके दुख दर्द को शायद नहीं समझता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं और मुझ जैसे मुतवस्त और गरीब लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो गरीब की आवाज बनिए, मजलूम की आवाज बनिए और इस मुल्क के उन तबकात की आवाज बनिए जिनका सिवाय परवरदिगार की जात के कोई आसरा नहीं। जो आज दुकान पे जाते हैं तो ये जो वादे करके कल गए थे कि हम कीमतों को इतनी साल पहले ले जाएंगे उन कीमतों पे, आज वो अपने बच्चे के लिए चीनी तक नहीं खरीद सकते, आज वो अपने बच्चे के लिए आटा नहीं खरीद सकते। ज़कात के पैसे आटे पे खर्च हो गए, ज़कात की वो जो इमदाद मिलती थी हमारे मवाजियात में वो उन लोगों की ज़कात बंद हो गई। बेवा दरबदर दरवाजों पे दस्तक देती हैं और लोगों से भीख मांगने पे मजबूर है और ये प्रधान उस पैसे से तंदूर चला के अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कहना ये चाहूंगा, देखिए ये लोग जो सामने बैठे हैं इनमें से ना कोई कोठी वाला है, ना कोई बड़ी लैंड क्रूजर वाला है, ये गरीब लोग हैं। इनके दिल की बात कीजिए, इनकी जुबान बनिए, खुदा आपका हामी मुनासिब होगा। और मैं ये भी बता दूं कि दुनिया की तमाम नेमतें हम लोगों ने देख ली, लेकिन अब फर्ज यह है कि पाकिस्तान जो 47 में आजाद हुआ था, देखना यह है कि उसको हमने क्या दिया। हमसे बाद आजाद होने वाले मुल्क कोरिया, जापान और वो ममालिक जो हमसे बहुत छोटे हैं उनको देखते हैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और अगर यहां पे ये कह दूं मैं तो ये भी बेजाना होगा कि अब तो हर तरफ से जब कहीं हम किसी बाहर के मुल्क के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और हमारे पासपोर्ट को देखा जाता है तो हमारी मुख्तलिफ निगाहों से देखा जाता है। खुदा के लिए,
खुदा के लिए खारजा हवाले से और मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से इस मुल्क को, अपनी जमात को इस अंदाज से खड़ा कीजिए कि इस मुल्क को संभाला दे और यहाँ के गरीबों की हम आवाज बने, यहाँ के आंदा वाले आने वाली नस्ल की हम आवाज बने। अब सूरत हाल ये है कि इतनी ज्यादा डिवीजन हो गई है कि चंद लोग हाकम हैं और बाकी सब माकूम हैं। और अगर मैं, यकीन करें, मैं भी रोना शुरू कर दूं, ये लोग भी रोना शुरू कर दें, अगर एक देहात की उस बेवा और उस गरीब औरत का किस्सा मैं यहां बयान करूं कि वो किस अंदाज में अपने खामंद की उस बेवगी को संभाले हुए किस अंदाज में अपने बच्चों को पाल रही है, तो ये बड़ी दर्द भरी कहानी है, ये बड़ी तकलीफ भरी कहानी है। आप मुस्लिम लीग के वारिस हैं, यकीनन आप लोगों ने मुस्लिम लीग के लिए कुर्बानियां दी, यकीनन आज जो प्रधान बनते हैं और नवाज लीग का नाम लेके मुस्लिम लीग को वारिस, अपने आप को मुस्लिम लीग का वारिस बनाते हैं, ये तोहफे भी चौधरी साहब आप ही ने दिए थे। आज आप संभाले इस जमात को और ये तोहफे जो दिए हैं इन तोहफों को वापस लीजिए। आज मुस्लिम लीग और कायदे आजम के वारिस बनते हुए इल्लामा की ख्वाब की ताबीर बनते हुए इस मुल्क को संभालिए। और अगर आपने ये अहद कर लिया तो गुलाम अब्बास अपने भाइयों की, दोस्तों की, बच्चों की, अपने लोगों की कसम उठा के कहता है कि जब कभी भी मुश्किल वक्त आया अपने दोस्तों के साथ अपने सामने पाएंगे। और यही मेरी दुआ है कि ये मुल्क आबाद रहे, ये मुल्क कायम रहे। और एक चीज जाते जाते कह दूं कि अगर ये सिस्टम ना होता, ये चकवाल के लोग बैठे हैं, तो चकवाल में नए 5 डिग्री कॉलेज बच्चियों के काम शुरू न करते। सूरत हाल यह है कि एक दिन मैंने उस जिले के वाहिद डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल को फोन किया कि मेरे पास खवातीन आती, बच्चियां आती हैं जो दाखिले पे शिकायत करती हैं। उस खातून ने मुझे दावत दी कि तुम मेरे पास आओ और मुझे विजिट करो। मैं शहर में उसके कॉलेज में गया, मेरी हद न रही इस बात की कि जब मैंने देखा कि उन प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इस साल में, पहले और तीसरे साल में जो दाखले के लिए चकवाल गर्ल्स कॉलेज में आई हैं दरखास्तें, उनकी तादाद 5000 और 600 के करीब बनती है। एक कॉलेज है, मैं अब इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं, कहां दाखिल करूं। मैं इसलिए पर आज चकवाल के लोगों को भी बताना चाहता हूं, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुम क्यों शर्म करते हो परवेज इलाही का। जब मैं वो केस लेके गया तो चौधरी साहब के महकमा तालीम ने इस बात पे कई एक रोड़े अटकाने की कोशिश की और एतराजात किए। मेरे पास एक ही दलील थी कि मैं उस जिले का शहरी हूं, मैं जानता हूं कि मुझे मालूम है कि इनमें से बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको किसी सूरत में भी दाखले कहीं नहीं मिलेंगे और इस काबिल नहीं कि वो कहीं बाहर जा सके। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि चाहे फिजिबिलिटी कुछ भी बनती हो, ये सेक्रेटरी कुछ भी चाहता हो, मैं एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से, मैं जिला चकवाल की आबादी या 12 लाख आबादी की आवाज होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे इन बच्चियों के लिए वहां पे एडमिशन चाहिए। तो मैं चकवाल के लोगों, आपको गवाह बना के इस डिवीजन के बाकी इजला को बताना चाहता हूं कि 5 डिग्री कॉलेज चौधरी साहब जिस दिन आपने दिए थे, उस दिन से चकवाल के लोगों से यह कहा था कि और कुछ हो या ना हो, जरात के मैदान में, सेहत के मैदान में यह इतना बड़ा काम हो गया कि जिससे मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाली नस्ल समर जाएगी, बन जाएगी। आखिर में अपनी गुफ्तगू, राजा साहब थोड़ा सख्ती कर रहे हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा क्योंकि रवाज यह है कि शायद नारों की बात की जाए तो लोग मुतमइन होते हैं, हकीकत की बात की जाए तो लोग उससे सुनने से जरा इज्तनाब करते हैं। मैं आलियाने चकवाल आपको और इन लोगों को इस बात पे गवाह बनाता हूं कि इस सिस्टम को रहना चाहिए। अगर इस सिस्टम को खत्म किया गया तो ये पंजाब के लोगों का कत्ल होगा, यहां की बहनों बेटियों का बेआबरू करने की एक साजिश होगी। हम टॉप वाले साहब से आजादी ले चुके हैं, हम दोबारा टॉप वाले साहब के माकूम नहीं होना चाहिए। खुदा आप सबका हमें और आसरा शुक्रिया।